हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी अपनी तरह से आलू मेथी। अक्सर लोग आलू मेथी में लहसुन का तड़का देते, कोई प्याज भी देते हैं। मैंने खा के देखा, पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या होता है मेरे हिसाब से, या मेरा जो मतामत आप लोग जानना चाहते हो, तो क्या होता है, एक ही लगता है सारा ही प्याज लहसुन। जो वेजिटेबल फिश मीट उनका जो अलग अलग फ्लेवर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे ताकि जल्दी पक जाए। देखिए कितना छोटा छोटा। हमेशा आलू को ना पानी में रखिएगा, काटने के बाद सारा स्टार्च निकल जाता है। देखिए ये मेथी मैंने काट धो के साफ सफाई करके धो के काट के रखा, रेडी करके रखा। सूखा लाल मिर्च चौंक देंगे सिर्फ। देखिए इसी कलर की खड़ी मिट्टी दे देंगे, अलग अलग पसंद है। देखिए इतना काम बहुत हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम कितना कम हो गया। अब हम नमक देंगे। जो नया नया कुकिंग कर रहे हो ना, हाल ही में शादी हुआ या बाहर रहते हो काम के लिए घर के बाहर, तो उन लोगों के लिए मैं बोलती हूँ हमेशा इसके बाद ही नमक देना, तो पता चल जाएगा कितना नमक चाहिए। शुरू से दे देती ना कितना साग लग रहा था। हम लोग नमक बहुत कम खाते, मैंने सुना है चीनी और नमक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, और चीनी और नमक जितना कम था उतना अच्छा है। ब्लड प्रेशर जिनका है उनका तो बहुत ही कम खाना चाहिए, कच्चा बिल्कुल नमक नहीं खाना चाहिए। देख लेती आलू का क्या हाल है, साग तो पक जाएगा। देखिए आलू कितना देर तक मैंने ढक ढक कर किया और इतना छोटा छोटा काटा, फिर भी पका नहीं ठीक से। अभी मैं नमक कर रही थी, हमें खूब भल लगा। जितना मैंने तेल दिया इतना चाहिए, खूब कम तेल में अच्छा नहीं लगेगा ये। मैं तो पर्सनली इसको खाती हूँ स्टीम राइस के साथ। दोस्तों देखिए मेरा आलू मेथी मेरी तरह से मैं कैसे खाती हूँ, कोई कैसे खाती है, बन गया है। आप लोग चाहो अगर इसमें लहसुन दे सकते हो, प्याज दे सकते हो, लेकिन मेथी का जो फ्लेवर वो नहीं रहेगा। इसमें मेथी का फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है, लालच आ रहा है खाने के लिए, तो साफ करके मेथी खाती हूँ। दोस्तों मैंने साफ करके दिखा दिया। कुल सिंपल यूनिक को आगे बढ़ने में मदद करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए शुरू से आखिर तक। वीडियो देखने के लिए क्वीन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय दोस्तों।